जैन दोस्तों, एक बार फिर मेरे साथ हैं मीरा भाईंदर की एमएलए गीता जैन जी। गीता जैन जी, कुछ गोल्ड एक्सप्रेस के लोगों का न्यूज़ कर रहा था, वो अभी तक गोल्ड एक्सप्रेस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। करीबन 1 ईयर हो गया, अभी भी कुछ लोग परेशान थे। उनमें से कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा मुझे कि गीता जैन जी ने हमें मदद का वादा किया था, लेकिन वो अभी जो है कम्युनिकेट हमारा नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें एक वजह तो मुझे COVID-19 भी लगती है। तो आपने इस पे कुछ सोचा क्या या कुछ स्टेप उठाया क्या गोल्ड एक्सप्रेस के मामले में? जी, मेरे इलेक्शन के समय मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली थी गोल्ड एक्सप्रेस में, और मेरा बिल्कुल ये प्रयत्न था कि मैं उनको न्याय दिलाऊँ। इसमें गोल्ड एक्सप्रेस में कुछ ने चेक से पेमेंट किया था, कुछ ने कैश से किया था। तो उस समय हमारा ये था कि जो कैश से किया है उन लोगों को अलग करके सबसे पहले चेक का, जिसके पास प्रूफ है, उनको ऊपर रख के हम कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं क्या। कुछ वजह से शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यानी उनमें बहुत सारे ग्रुप, वो लोग बट गए। राइट, पहले जो एक होके चल रहे थे वो लोग बट गए। और आफ्ताब भाई, आपको पता है कानूनी मामलों में जब तक एक होके नहीं चलोगे, जब तक बट के पांच अगर दिमाग अपना यूज़ करेंगे, कोई सभी ठीक है, सभी बहुत अच्छे हैं, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने अपने काम करने के तरीके जब अलग अलग हो जाते हैं तब उस काम में मज़ा नहीं रहता। बल्कि अभी 15 दिन पहले मैंने एक मेरा मिडडे में जो न्यूज़ छपा था कि मैंने PIL की थी, ईडी के पास हम डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते कॉमन पर्सन, क्योंकि मुझे पहले ये रूल नहीं पता था फ्रेंकली। पर गोल्ड एक्सप्रेस होने के बाद, मैं ये नहीं कहूँगी कि इलेक्शन के दौरान मैंने ऐसा कुछ कहा, लेकिन इलेक्शन के बाद पहले सदन में मैंने उनका मुद्दा उठाया था। हाँ, अगर आपने सुना हो तो गोल्ड एक्सप्रेस का मुद्दा उठाया था। अध्यक्ष महोदय, माझा मतदार संघ मीरा रोड येथे अमीन मलपार आणि माझी सेलिया या दोन व्यक्तींनी शीतल प्लाझा शीतलनगर सेक्टर 6 या ठिकाणी गोल्ड एक्सप्रेस या नावाची गुंतवणूक कंपनी उघडली होती। दुप्पट व्याजाचे अमिष दाखवल्याने परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांनी करोडो रुपयाची गुंतवणूक केली आहे। सदरील ठेवी व्याजासह घेण्यास गुंतवणूकदार गेल्यास ही कंपनी बंद झाल्याने त्याच्या निदर्शनास आले की त्यानंतर त्या गुंतवणूकदारांनी मीरा रोड पोलीस स्टेशन इथे तक्रार दाखल केली आणि या संदर्भात स्थानिक पोलिसांनी कोणताही तपास व संबंधित आरोपींना अटक केली नाहीये। यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, तसेच या गोरगरीब जनतेवर आर्थिक संकट निर्माण होत आहे। अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच लोकांनी त्यांचा घर तिथे त्यावर लोन घेऊन यात गुंतवणूक केली आहे, मग त्यांना आज घर सोडायची पाळी आली आहे। तर या प्रकरणी शासनाने तातडीने तपास करून संबंधित आरोपीला अटक करून पैसे परत करण्यात आवे, त्याची काय व्यवस्था करावी आणि त्यांना अटक करून कडक शिक्षा द्यावी। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं जब डिनर के लिए बैठी थी तो ये जो काउंसिल है वो मेरा भतीजा ही है, तो मैंने उससे एक डिस्कस किया कि इसमें क्या कर सकते हैं हम इन लोगों को मदद करने के लिए। आज भले ही मैंने सदन में मुद्दा उठाया है, लेकिन ये लंबा प्रोसीजर है, मुझे मालूम है। तब उसने कहा कि आप एक PIL अगर करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कोई एक ऐसी फॉरम कोर्ट या ऐसा कुछ है नहीं, ईडी के पास ये लोग डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो इनके लिए क्या करना चाहिए। तो उनके लिए एक अलग लॉ होना चाहिए जो कॉमन लोग, जो देखिए आप अभी देखिए गोल्ड एक्सप्रेस, उसके पीछे मलाइका अपने यहाँ हो गया, बहुत सारे बिल्डर हो गए जो ऐसे इसी तरह से बना के निकल जाते हैं। तो वो लोगों को जाने के लिए कोई एक कानून नहीं है हमारे पास। तो हमने PIL गोल्ड एक्सप्रेस से स्टार्ट किया था तब, लेकिन भले ही वो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन आज भी देखिए आप, मेरे प्रयत्न चालू है PIL करने के बाद कि अगर ये लो बन जाए तो उनको मदद मिलेगी। मुझे तो उसमें मदद, मुझे क्या, यानी कि आपने इसको लेकर के PIL फाइल जी किया? हाँ, अभी आप 15 दिन पहले की न्यूज़, हाँ, देख हाँ, लीजिए, एक न्यूज़ मैंने आया भेजा था, भी राइट, था आपको राइट, 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 तो राइट। और ये इसलिए भी मैंने मेरे FB पेज पे डाला था कि शायद और कोई इसमें मेरी मदद चाहता है, गोल्ड एक्सप्रेस वाला ये। तो उस समय भी मैंने एक ग्रुप को ईडी वालों के पास भेजा था, मैंने कहा ही कि ये ग्रुप बटने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि अब मैं किनको कांटेक्ट करूं। सब एक होके आए तब तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मैंने अपना हाथ बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा, ये
गोल्ड एक्सप्रेस ही था जिसने मुझे ये PIL करने के लिए प्रेरित किया, नहीं मजबूर किया कि ऐसा लॉ क्यों नहीं है हमारे देश में। और आज भी अगर वो आए तो मैं उन सबको लेके ED में जाने के लिए आज भी तैयार बैठी हूँ। बस एक हो जाए, ये अलग अलग जब बढ़ जाते हैं ना तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाती। ये बात कमोबेश सच है कि मैंने भी जब गोल्ड एक्सप्रेस स्कैम हुआ था तो उस वक्त उसकी सारी न्यूज़ेज मैंने की थी, और उस वक्त भी मैंने देखा था कि कई ग्रुप बने थे, और सही माने में अगर अलग अलग ग्रुप बन जाते, सब अच्छे के लिए ही बनते हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं तो किसी एक को उस पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आज भी कहता हूँ आप लोगों से, आप सब से, अभी दो दिन पहले भी मैंने कहा था कि उसमें कुछ ग्रुप ऐसे बन गए कि नहीं आप कंप्लेन करोगे, केस करोगे तो आपका पैसा कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप सामने नहीं आओगे, आप अपनी बातें नहीं बताओगे तो ऑलरेडी वो फरार हो चुका है, उस पर FIR हो चुका है, आपका पैसा कभी नहीं मिलेगा। कम से कम अगर आप सामने आओगे तो आपके पैसे मिलेंगे, जो रिकॉर्ड में ही नहीं दोगे आप तो कहाँ से मिलेंगे। दूसरी बात, शहर का नेतृत्व करने वाले जो लोग भी होते हैं, आज मीरा भाईंदर का नेतृत्व गीता जैन जी कर रहे हैं, तो उनके सामने आपको एक टीम बन के तो आना ही पड़ेगा, तभी वो कर पाएंगे। और उनसे मैंने इसलिए ये सवाल किया क्योंकि जब मैं न्यूज कर रहा था तो उनमें से आप में से कुछ लोगों ने हमें ये बताया था कि गीता जैन जी ने चुनाव के टाइम पे मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। तो मैंने सोचा डायरेक्ट मैं पूछूं, तो मुझे भी बाद में याद आया कि इन्होंने सबसे पहले गोल्ड एक्सप्रेस का मुद्दा सदन में उठाया था। और ये 15 दिन पहले का जो बात है कि एक न्यूज़ आई है कि ED में क्यों नहीं जा सकते और उसके लिए PIL फाइल किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं गोल्ड एक्सप्रेस जैसी कंपनी, मलाइका जैसी कंपनी, गोल्ड स्मिथ जैसी कंपनी, अगर इस तरह का कोई इम्प्लीमेंट होता है तो इन सबको फ़ायदा होगा। फाइनली क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं आज भी कहती हूँ जो PIL मैंने किया है, ना, उसमें मैंने ये मांग की है कि कॉमन लोगों की ED तक पहुंच होनी चाहिए। आज कानून ये सिर्फ ED को अधिकार है कि वो उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनके पैसे वसूल कर सके। तो मैंने यही अपनी कोशिश में कहा है कि मैं और आप भी अगर कंप्लेंट करने ED में जा सकते या और कोई सेम फॉरम ऐसी बने जिसमें मेरे पैसे की श्योरिटी हो जाए उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने से। तो ये मेरे माइंड में है, और मैंने तब भी उन लोगों को कहा था कि ये लंबी प्रोसीजर है, बिल्कुल उसमें हिम्मत हारोगे, विश्वास खो दोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन उनको शायद ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए था, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ओवरनाइट रिजल्ट किसी में भी नहीं आता, आपको भी पता है। और मैंने अगर ये कोशिश छोड़ दी होती तो मैं सदन में ये आवाज़ नहीं उठाती, मैं PIL भी नहीं करती। राइट। देखिए, ये जो पैसा एक बार फंस जाता है, जहाँ तक मुझे भी इसका अंदाज़ा है कि एक बार आपका पैसा डूब गया, मतलब फंस गया, लोग फरार हो गए, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। यानी किस तरह से पैसे आपने डिपॉजिट किए, कैसे हुए, उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसके बाद उनके प्रॉपर्टीज़ सीज होते हैं, कई बार तो प्रॉपर्टीज़ ये लोग जल्दी बताते नहीं हैं, तो ये सारा चीज़, तो ये कोर्ट प्रोसेस को लेकर के बहुत लंबा समय लग जाता है, उसके बाद ही कुछ इसका रिजल्ट आता है। तो आपको तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जैसा कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ, तो गोल्ड एक्सप्रेस से बहुत पहले हीरा गोल्ड का जो है मामला हुआ था, लेकिन उन मामलों में भी अभी कार्रवाई चल ही रही है, किसी को पैसा रिटर्न अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि कार्रवाई चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी भी प्रॉपर्टी सीज हुई है और लोगों को मिलेगा। तो अगर आप सामने आएंगे तो मिलेगा, और आपके शहर की MLA हैं, अगर आपको लगता है तो आपको फिर से मिल करके उनसे बात भी करनी चाहिए, और उनकी तरफ से जो हो रहा है वो कर रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपकी बातें इन तक पहुंचाऊं और इनकी बातें आप तक पहुंचाऊं, इसलिए मैंने ये न्यूज़ की थी। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। पता है था गए टाइम कि हमारा मीरा रोड में कमिश्नर का ऑफिस बना है, और ये जो है सुप्रिंटेंडेंट का ऑफिस है, तो अभी तक ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए अपना जो भी केस का जो है ये मैटर जो है अभी भी यहीं पे चलेगा SP के ऑफिस में, जब तक उनको ट्रांसफ़र नहीं मिलता है तुम्हारे डिपार्टमेंट में। जैसे कि CP का ऑफिस, मीरा भाईंदर जो है वो CP का ऑफिस बन गया है। अब इसके अंदर ये ऐसा हो रहा है कि हमने साहब को बता दिया और एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है,
जहाँ पे हम लोग ने बताया कि ये जगह पे उसका प्रॉपर्टीज है, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि ये मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर कम से कम 60-70% का प्रॉपर्टी उन्होंने सील किया है, और जो भी हमने प्रॉपर्टी और भी मैडम ने प्रॉपर्टी दिया है, लिस्ट दिया है, और साहब लोग ने भी लिस्ट दिया है और भी नाम दिया है। पुलिस वाले ने बोला कि यस हम लोग चालू है हमारा काम, जैसे थोड़ा से लॉकडाउन थोड़ा कम हो जाएगा हम लोग उसको अरेस्ट के भी प्रोसेस में है, और मेन चीज अरेस्ट से ज़्यादा हमारे को क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए उनका, जितना भी प्रॉपर्टी वो जमा करना है सील करना है, तो जब भी हमको रिकवरी करना है तो पैसा जब भी लौटाना है तो हम वो प्रॉपर्टी का वो नीलाम करके कोर्ट के माध्यम से वो नीलाम होने के बाद में वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो ऐसा ही है, अभी हमारा बातचीत हो गया और सभी लोगों में भाई लोगों को मैं लेके गया वहाँ पे, और डायरेक्ट वो हमारा जो आयो है जो कदम साहब जो है जो इंचार्ज है जो हमारा केस का है, हम उसी को मैं हमने बोला है कि भाई प्लीज़ ज़रा इनको भी बताइए कि क्या क्या है, और उन्होंने बता दिया कि हमने लगभग कितना करोड़ रुपए का सील किया उसने अभी तक प्रॉपर्टी, कम से कम 10-11 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी ऑलरेडी सील हो चुका है, और वो गवर्नमेंट रेट का है, और नॉर्मली गवर्नमेंट रेट का आपको पता है 10 करोड़ की जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रेट की है, एटलीस्ट वो रियली उसकी प्रॉपर्टी का अगर आकलन करा जाएंगे तो कम से कम वो 80-90 करोड़ तक जा सकता है, थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नीलम हो जाएगा, और जब भी ऑप्शन जब भी होता है तो जैसे कि मार्केट रेट की जो फ्लैट्स होती है वो मार्केट रेट में अगर सोचते 40 लाख का फ्लैट है तो कभी कभी वो 65-70 लाख तक वो चले जाता है, तो इसी तरह से ये भी प्रॉपर्टी जो है ये सील किया जाएगा, और उसके बाद में वो लंबा वो दूसरा प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस है। फिलहाल अभी तक है MPID 2 और 3 लागू कर दिए, हमारा जो FIR में MPID नहीं था वो MPID अभी लगवा दिया, और उसके अंदर अभी वो भी फिल हो गया, लागू हो गया। अभी जो एक दो जिला और भी गया था बेल लगाने के लिए, उनका बेल रिजेक्ट हो गया, ऐसा कदम साहब का बोलना है, तो मैं उसको क्या करेगा चेक करूंगा मैं अपना नेट के ऊपर, और नेट के ऊपर चेक करने के बाद में मैं आपको और डिटेल देगा कि क्या हो गया और किन किन लोगों का रिजेक्ट हो गया। तो काफ़ी जन का जो भी है बेल जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट, दैट इज़ ऑल। तो आज के लिए मैं यहाँ पे इनको लेके आया, आज का जो मैं डिटेल्स है मैं आपको बता दिया, और जैसे नेक्स्ट टाइम जब भी जैसे होएगा इसी तरह प्रकार से आपको मैं सूचना देते जाऊँगा। इन शॉर्ट हमारे एडवोकेट का साहब का ये कहना है कि आमीन और माजी चाहे पकड़े जाए या नहीं पकड़े जाए, ये जो प्रॉपर्टी अभी सील हुई है इसको गवर्नमेंट जो है कोर्ट के जरिए बेचे, और इसको ऑक्शन के जरिए बेचने के बाद में हम लोग जो इन्वेस्टर लोग जो इनसे जुड़े हुए एडवोकेट साहब से और उन लोगों को पैसा दिया जाए। अच्छा, जो लोगों ने अभी तक कंप्लेन नहीं दिया है वो मेरे ऑफिस में आ जाइए, उनके डिटेल्स ले लूँगा मैं, और एक अपॉइंटमेंट रखूँगा मैं, कुछ 1 महीने तक या 2 महीने तक अपने को यहाँ पे आना पड़ेगा, उसके बाद में मैं ट्रांसफर करवा के हमारा मीरा रोड में लेके आ जाऊँगा मैं, क्योंकि अभी तक ये जो केस है आपका वो 1 अक्टूबर का पहले से बना था, और हमारा जो कमिश्नर जो है वो 1 अक्टूबर से लागू हुआ, तो मैं 10-10 आदमी का मैं लिस्ट बनाऊंगा, और 10-10 आदमी को मेरे साथ में मैं लेके आऊंगा, और यहाँ पे आपका कंप्लेंट चलता रहेगा।